नमस्कार दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12th मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है यह आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का 10th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम कंपोजिट फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें से हमने टोटल दो प्रॉपर्टीज का अध्ययन हमने लास्ट जो आपका लेक्चर था या पार्ट था उसमें हमने किया था। लेकिन इस लेक्चर में हम कंपोजिट फंक्शन की तीसरी प्रॉपर्टी का भी अध्ययन करेंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी आपकी कि दो एक-एक आच्छादक फलनों का संयोजन भी एक-एक आच्छादक फलन होता है। ठीक भाई, यह आपके संयुक्त फलन के गुणधर्म की तीसरी प्रॉपर्टी है या तीसरा गुणधर्म है। तो देखो, दो एक-एक आच्छादक फलनों का संयोजन भी एक-एक आच्छादक फलन होता है, तो कैसे होता है यह भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको इस स्टेटमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले आपको दो एक-एक आच्छादक फलन दिए गए हैं। ठीक है, दो एक-एक आच्छादक फलन दिए गए हैं। तो पहला एक-एक आच्छादक फलन मान लिया आपने एफ, जो डिफाइन है सेट ए सेट बी में। ठीक है, और दूसरा हमने एक-एक आच्छादक फलन मान लिया जी, दूसरा हमने एक एक आच्छादक फलन मान लिया जी, जो कि डिफाइन है बी से सी में। ठीक है, सेट बी से सेट सी में। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन जी है, ये सेट बी से सेट सी में ही क्यों डिफाइन हो रहा है, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना, फलनों का संयोजन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जब भी हमें फलनों का संयोजन डिफाइन करना पड़े, तो हमें एक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन करना है कि उसका रेंज सेट दूसरे फंक्शन के डोमेन के बराबर हो। तो यहाँ पे एफ का रेंज सेट क्या है, बी, ये किसके बराबर है, जी के डोमेन के बराबर है। अगर आप ऐसे फंक्शन लेके चलते हो, तब जाके ही आप फलनों का संयोजन परिभाषित कर पाओगे। ठीक है, तो एफ आपने फंक्शन लिया सेट ए से सेट बी में, जी आपने फंक्शन लिया सेट बी से सेट सी में। दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं, दोनों के दोनों फंक्शन एक-एक और आच्छादक फलन है। दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं, दोनों के दोनों फंक्शन एक-एक आच्छादक है। ठीक है, कैसे है, एक-एक आच्छादक है। अब एक-एक का मीनिंग भी देख लो क्या होता है। एफ अगर एक-एक है, एफ वन वन और ऑन टू है, इसका मीनिंग देखो क्या होता है। एफ वन वन ऑन टू हो तो एफ जो फंक्शन है आपका, फंक्शन है ये एक-एक या वन वन है, इसका मीनिंग क्या निकाल सकते हो, इसका मीनिंग ये निकाल सकते हो कि अगर एफ के डोमेन से कोई दो डिफरेंट पॉइंट ले, तो उनकी एफ इमेज भी एफ के रेंज सेट में क्या मिलेगी, डिफरेंट ही मिलेगी। कहने का मतलब है कि फलन एफ के डोमेन के आप दो डिफरेंट पॉइंट लीजिए। ठीक है, फलन एफ के डोमेन के आप कोई दो डिफरेंट पॉइंट लीजिए और उनकी एफ इमेज भी क्या आनी चाहिए, अगर फलन एक की है, फलन एक की है तो उनकी एफ इमेज भी डिफरेंट आनी चाहिए। कहने का मतलब है कि सिंस ए वन डज नॉट इक्वल टू ए टू, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए वन डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी टू। जहां हम एफ ऑफ ए वन को क्या मान सकते हैं, एफ ऑफ ए वन को मान सकते हैं बी वन, और एफ ऑफ ए टू को मान सकते हैं बी टू। ठीक है, क्या मान सकते हैं, बी टू, जहां पर बी वन और बी टू के एलिमेंट किसके हैं, बी वन और बी टू एलिमेंट हैं सेट बी के, और ए वन और ए टू एलिमेंट हैं सेट ए के। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि कौन सा एलिमेंट किस सेट का है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वन ए टू एलिमेंट है सेट ए के, और बी वन बी टू एलिमेंट है सेट बी के। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट हो गया कि एफ वन वन है। अब ऑन टू के डेफिनेशन में देखो, एफ अगर ऑन टू है तो किस प्रकार से ऑन टू होगा, अगर फलन एफ ऑन टू फलन है, अगर फलन एफ ऑन टू फलन है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि एफ के रेंज सेट के प्रत्येक एलिमेंट, एफ के रेंज सेट के प्रत्येक एलिमेंट स्मॉल बी के लिए एक अवयव, एक कम से कम एक अवयव स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट
सच दैट एफ ऑफ ए बराबर बी। मतलब आप क्या कह सकते हो, अगर फलन एफ कौन टू फलन है या आच्छाद फलन है, तो आप कह सकते हो कि f के रेंज सेट के प्रत्येक एलिमेंट b की सेट a में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि फलन f के रेंज सेट के प्रत्येक एलिमेंट स्मॉल b के लिए कम से कम एक एलिमेंट स्मॉल a सेट a में इस प्रकार होना चाहिए कि f ऑफ a बराबर क्या हो, b के बराबर, कि f ऑफ a किसके बराबर हो, b के बराबर हो। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि फलन f कैसा फलन है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो हो गया f 1 1 ऑन टू है। अगर g 1 1 ऑन टू हुआ तो g11 अगर ऑन टू है, जी भी मान के चलिए 11 और ऑन टू है। ठीक है, जी एक एक की और आच्छादक फलन, आप क्या कह सकते हो, आप अगेन कह सकते हो कि जी के डोमेन के किन्हीं भी दो डिफरेंट पॉइंट के लिए उनके रेंज सेट में इमेजेस क्या मिलनी चाहिए, इमेजेस भी डिफरेंट मिलनी चाहिए। कहने का मीनिंग ये है कि आप फलन जी के डोमेन के आप कोई दो पॉइंट लीजिए b1 और b2, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तो उनकी रेंज सेट के अंदर इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक भाई, इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तब फलन जी क्या कहलाता है, तब फलन जी 1-1 फलन कहलाता है या एक एक ही फलन कहलाता है। इसी प्रकार ऑन टू की डेफिनेशन देखो, ऑन टू की डेफिनेशन में देखते हैं तो देखो कि ऑन टू डेफिनेशन क्या कहती है कि ईच, मतलब फलन जी के परिसर के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कम से कम एक एलिमेंट सेट बी में इस प्रकार से मिलना चाहिए, सेट बी में इस प्रकार से मिलना चाहिए कि g ऑफ b किसके बराबर हो, c के बराबर हो, कि g ऑफ b किसके बराबर हो, c के बराबर हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी पूरी है कि फलन एक ही क्या अच्छा रहेगा तो किस प्रकार से क्या क्या कंडीशन होगी। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, इनका संयुक्त फलन निकालना है और संयुक्त फलन को भी शो करना है कि वो एक एक आच्छादक होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि इनका इनका आपको संयोजन फलन या संयुक्त फलन निकालना है, फलन एफ और जी का, और उसको भी शो करना है कि वो एक एक आच्छादक है या नहीं है। तो देखो एफ डिफाइन ए से बी में है, ठीक है, जी डिफाइन बी से सी में है, एफ तो ए से बी में डिफाइन हो रहा है, जी बी से सी में डिफाइन हो रहा है, तो फलन संयुक्त फलन जी और एफ कब डिफाइन होगा, तब जब फलन एफ का रेंज फलन जी के डोमेन के बराबर हो। ठीक है, तो देखो दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। दूसरी कंडीशन, जी ओ एफ कहां से कहां डिफाइन होगा, जी ओ एफ डिफाइन होगा ए से सी में, जी ओ एफ कहां से कहां डिफाइन होगा, ए से सी में डिफाइन होगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि संयुक्त फलन का डोमेन क्या होना चाहिए, फलन एफ के डोमेन के बराबर होना चाहिए। देखो दोनों का डोमेन बराबर है, एफ का डोमेन ए है, संयुक्त फलन जी ओ एफ का डोमेन ए है, और थर्ड कंडीशन है कि संयुक्त फलन का रेंज सेट किसका बराबर होना चाहिए, फलन जी के रेंज सेट के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे फलन जी का रेंज सेट सी है और यहाँ पे संयुक्त फलन का रेंज सेट क्या है, सी है। मतलब आप संयुक्त फलन डिफाइन कर सकते हो, और किस प्रकार से डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा जी ओ एफ ए बराबर जी ऑफ एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, बी, तो जी ऑफ बी बराबर सी। ठीक है, किसके लिए, ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए। कहने का मतलब है ये फलन किस प्रकार से डिफाइन है, ये फलन प्रांत ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए निम्न प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, अब इसको क्या शो करना है, अब इस फलन को शो करना है, इनको क्या हमको शो करना है, ये फलन क्या होना चाहिए, एक एक की आच्छादक होना चाहिए। एक एक की आच्छादक शो करना है, मतलब 1-1 ऑन टू शो करना है आपको, अगेन 1-1 ऑन टू शो करने के लिए सबसे पहले आप सिद्ध करो 1-1 के लिए करना क्या है आपको, आपको कुछ नहीं करना 1-1 के लिए, आपको डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट लीजिए, तो 1-1 के लिए डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस भी क्या हो, दिखा दो उनकी इमेजेस, कि उनकी इमेजेस भी डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो 1-1 आपको सिद्ध करना है, सबसे पहले 1-1 कैसे सिद्ध होगा,
सबसे पहली बात तो आप डोमेन के कोई दो डिफरेंट एलिमेंट लीजिए, ए वन और ए टू। आपने डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट ए वन और ए टू ले लिए, ठीक है। अब इनकी इमेजेस फाइंड आउट करो और देखो कि इनकी इमेजेस सेम आती है या फिर डिफरेंट आती है। तो इसकी इमेजेस हो जाएगी संयुक्त फलन जी ओ एफ के अंदर, जी ओ एफ ऑफ ए वन बराबर जी ओ एफ ऑफ ए टू, ठीक है। अब हमें यहाँ कुछ नहीं पता कि इनकी इमेजेस सेम है या फिर डिफरेंट है, इस बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता। अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो जी ओ एफ ऑफ ए वन किस प्रकार से लिख सकते हो, जी ऑफ एफ ऑफ ए वन बराबर जी ऑफ एफ ऑफ ए टू, ठीक है। एफ ऑफ ए वन क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए वन आता है बी वन के, ठीक है। एफ ऑफ ए वन की वैल्यू क्या है, बी वन के, और एफ ऑफ ए टू की वैल्यू क्या है, बी टू के, ठीक है। आप देखो, आप देखते हो कि जी ऑफ बी वन किसके बराबर आ रहा है, जी ऑफ बी वन आ रहा है सी वन के, और जी ऑफ बी टू आ रहा है सी टू के, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। मतलब जी ऑफ बी वन बराबर सी वन है, जी ऑफ बी टू बराबर सी टू है, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। तो मतलब ये भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, फिर ये भी डिफरेंट होंगे और ये भी डिफरेंट होंगे। कहने का मतलब है कि संयुक्त फलन जी ओ एफ कैसा फंक्शन है, एक एक फलन है या फिर वन वन फलन या वन वन फंक्शन है। क्योंकि यहाँ पे डोमेन के आपने दो डिफरेंट पॉइंट लिए, उनके रेंज सेट सी में भी इमेजेस क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है। ये तो आपकी एक ही के लिए कंडीशन हो गई। अब अच्छा लग के ये भी देख लो, अच्छा लग कैसे होगा। अच्छा देख, लिए करना क्या है, सेकंड सिद्ध करना है आपको ऑल टू, ठीक है। सेकंड क्या सिद्ध करना है, ऑन टू। ऑल टू के लिए कुछ नहीं करना आपको, आपको डोमेन रेंज से आपको कोई सा भी एलिमेंट लेना है और उस एलिमेंट की इनवर्स इमेज किसके अंदर शो करनी है, डोमेन के अंदर शो करनी है। तो आपने क्या किया, रेंज से एक कोई सा भी एलिमेंट स्मॉल सी ले लिया, और आपको पता है कि डोमेन से आपने जो सॉरी रेंज से आपने जो कोई सा भी एलिमेंट स्मॉल सी लिया है, उसके लिए हम जानते हैं कि फलन जी के अंदर ए का अवयव इस प्रकार से होगा कि फलन जी के अंदर एक अवयव स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, इस प्रकार होगा कि जी ऑफ बी क्या है, जी ऑफ बी बराबर है सी के, ठीक है। हम ये तो कह सकते हैं कि अगर आपको संयुक्त फलन जी ओ एफ कॉन टू दिखाना है, तो क्या करो, रेंज से आप कोई सा एलिमेंट लो स्मॉल सी, और उसके लिए दिखा दो कि डोमेन ए में कोई पॉइंट ऐसा हो, कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो क्या उसकी इनवर्स इमेज हो, ठीक है। वो जो पॉइंट ऐसा डोमेन में, वो उस एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इनवर्स इमेज होनी चाहिए, ठीक है। या फिर ये एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेजेस हो। तो देखो यहाँ पे आपने रेंज से कोई एलिमेंट लिया स्मॉल सी, उसके लिए आपको पता है कि फलन जी के अंदर एक एलिमेंट स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, इस प्रकार से होगा जी ऑफ बी बराबर सी। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि इस स्मॉल बी के लिए, इस स्मॉल बी के लिए एक एलिमेंट, इस स्मॉल बी के लिए एक एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा कि एफ ऑफ ए बराबर बी, कि एफ ऑफ ए बराबर बी, ठीक है। एक एलिमेंट इस प्रकार से होगा कि एफ ऑफ ए बराबर बी। मतलब आप क्या कह सकते हो कि जी बराबर सी बराबर जी ओ एफ ऑफ ए, ठीक है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जो सी होगा वो क्या होगा, या फिर आप इसका से दो सी बराबर क्या है, जी ओ बी, ठीक है। सी बराबर क्या है, जी ओ बी बराबर जी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए। मतलब आप क्या लिख सकते हो कि सी बराबर जी ओ एफ ओ ए। कहने का मीनिंग है
सेट या सॉरी फंक्शन जी ओ एफ के रेंज सेट के प्रत्येक एलिमेंट स्मॉल सी के लिए एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट सेट ए में इस प्रकार से है कि वो क्या उसकी इनवर्स इमेज है। ठीक है, ये वाला एलिमेंट तो क्या हो जाएगा इसकी एफ इमेज, और ये एलिमेंट क्या हो जाएगा इनवर्स इमेज हो जाएगा। मतलब संयुक्त फलन जी ओ एफ के लिए रेंज सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इनवर्स इमेज किसके अंदर है, डोमेन ए के अंदर है। मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन जी ओ एफ, जी ओ एफ वन वन ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, वन वन ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी सिद्ध होती हुई कंप्लीट होती हुई। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कि नेक्स्ट है यदि एफ ए से बी में कोई फलन है तो एफ ऑफ आई ए बराबर एफ ऑफ आई बी ऑफ एफ बराबर है, जहां आई ए तथा आई बी समुच्चय ए तथा बी में परिभाषित तत्समक फलन है। या फिर आप ये कह सकते हो कि किसी भी फलन को तत्समक फलन के साथ संयोजन करने पर वही फलन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है, वो देख लीजिए कौन सी है कि किसी भी फलन को तत्समक फलन के साथ संयुक्त करने पर हमेशा वही फलन प्राप्त होता है। हमेशा क्या प्राप्त होता है, वही फलन प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख लीजिए फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी है। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखिए किसी भी फलन को, किसी भी फलन को तत्समक फलन के साथ, किसी भी फलन को तत्समक फलन के साथ, फलन के साथ संयुक्त करने पर, फलन के साथ संयुक्त करने पर तत्समक फलन प्राप्त होता, सॉरी वही फलन प्राप्त होता है, वही फलन प्राप्त होता है। ठीक है भाई, वही फलन प्राप्त होता है। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। देखो स्टेटमेंट में क्या दिया है, किसी भी फलन को तत्समक फलन के साथ संयुक्त करने पर वही फलन प्राप्त होता है। इसको आप मैथमेटिकली भी लिखना चाहो, मतलब गणितीय रूप में लिखना चाहो, तो गणितीय रूप में किस प्रकार से लिख सकते हो कि दैट इज या अर्थात, इसको बोलते हैं अर्थात एफ ओ आई बी बराबर सॉरी आई ए बराबर एफ बराबर आई बी ओ एफ बराबर एफ। ठीक है, जहां जहां आई ए और आई बी क्या है, आई ए आई बी समुच्चय ए व बी पर, समुच्चय ए व बी पर तत्समक फलन है। समुच्चय ए और बी पे कैसे फलन है, तत्समक फलन है। ठीक भाई, कैसे फलन है, तत्समक फलन है। अब देखिए क्या क्या दिया गया आपको स्टेटमेंट में, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन के रूप में दिया गया है आपको एक फंक्शन एफ। ठीक है, जो आप डिफाइन मान लो कहां से कहां, ए से बी में। ठीक है, ए से बी में, ए से बी में ही क्यों मानोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया गया, एफ ओ आई ए, आई ए क्या है, सेट ए पर, आई ए सेट ए पर तत्समक फलन है, और इस फलन आई ए और इस एफ का संयोजन तभी होगा जब आई ए का रेंज सेट एफ के रेंज सेट के बराबर, सॉरी एफ के डोमेन के बराबर हो। तो आई ए का रेंज सेट क्या है, आई ए का रेंज सेट है ए, तो एफ का डोमेन भी क्या होना चाहिए ए। ठीक है, और इसी प्रकार
एफ का रेंज क्या होगा, एफ जो फंक्शन है ये डिफाइन आप ए से किसी भी सेट में डिफाइन मान सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एफ और आई बी का संयोजन तभी कर सकते हो जब इसका रेंज इसके डोमेन के बराबर हो। इस फलन का डोमेन क्या है, बी, उसका रेंज भी क्या हो जाएगा, बी। कहने का मतलब है एफ एक फंक्शन होगा ए से बी में, ठीक है। एफ क्या होगा, एक फंक्शन होगा ए से बी में। अब देखो एफ फंक्शन है ए से बी में, किस प्रकार से परिभाषित हो रहा है कि एफ ओ ए बराबर स्मॉल बी, किसके लिए, इज स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इज स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। तो आपको क्या क्या सवाल आना है कि एफ ऑफ आई ए बराबर एफ बराबर आई बी ऑफ एफ बराबर एफ, ठीक है, ये आपको शो करना है। अब देखो आई ए क्या, आई ए आपको क्या दिया गया है, आई ए आपको सेट ए पर एक तत्समक फलन दिया है। कहने का मतलब है कि आई ए ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स, ठीक है, या आई ए ऑफ ए या एक्स बराबर एक्स, किसके लिए, ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है। इसी प्रकार आई बी क्या दिया गया है, आई बी दिया गया है सेट बी से बी में एक फलन, ठीक है, जो किस प्रकार से डिफाइन है कि आई बी ऑफ एक्स बराबर एक्स, ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी के, ठीक है। ये तो आपको फंक्शन देगा एफ ए से बी में जो डिफाइन हो रहा है एफ ऑफ ए बराबर बी, इसके लिए ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए। और ये दिए गए आपको दो फलन आई ए और आई बी, कैसे फंक्शन है, तत्समक फलन है। आई ए तो डिफाइन हो रहा है ए से ए में, किस प्रकार से, कि आई ए ऑफ एक्स बराबर एक्स, ईच एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, और आई बी फंक्शन है जो कि कहां से का डिफाइन हो रहा है सेट बी से, सेट बी में किस प्रकार से, कि आई बी ऑफ एक्स बराबर एक्स, ईच एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब आपको क्या शॉप क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एफ ओ आई ए, ठीक है, एफ ओ आई ए फाइंड आउट करना है और एफ आई बी ओ एफ आपको क्या करना है कि फलन एफ का किसके साथ संयोजन करना है, फलन आई ए के साथ, और फलन आई बी का संयोजन करना है फलन एफ के साथ। अब देखो आई ए डिफाइन हो रहा है कहां से कहां, आई ए डिफाइन हो रहा है ए से ए में, और एफ डिफाइन हो रहा है ए से बी में, तो इनका संयुक्त फलन डिफाइन है। क्यों डिफाइन है, क्योंकि आई ए का रेंज किसके बराबर है, इसके डोमेन के बराबर है, आई ए का रेंज इसके डोमेन के बराबर है, ठीक है। तो ये फलन कहां से कहां डिफाइन हो जाएगा, ए से बी में, तो ये जो फलन है एफ ओ आई ए ये डिफाइन हो जाएगा ए से बी में, ठीक है। किस प्रकार से होगा, ये होगा एफ ओ आई ए स्मॉल ए बराबर एफ ऑफ आई ए ऑफ ए बराबर, इसकी वैल्यू क्या होती है आई ए ऑफ ए की, ए, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए बराबर हो जाएगा बी, ठीक है। इसी प्रकार आई बी ओ एफ क्या हो जाएगा, आई बी ओ एफ सबसे पहले डिफाइन दो कहां से कहां हो रहा, हो भी रहा है नहीं हो रहा, आई बी ओ एफ डिफाइन होगा यदि एफ का रेंज आई बी के डोमेन के बराबर हो, तो एफ का रेंज जब बी और आई बी का डोमेन है बी, तो आई बी ओ एफ क्या है डिफाइन हो रहा है कहां से कहां, ये हो रहा है ए से बी में, ठीक है। किस प्रकार से डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा आई बी ओ एफ ऑफ ए बराबर आई बी ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है। एफ ओफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ओफ ए की वैल्यू है बी, और आई बी ऑफ बी की वैल्यू क्या है स्मॉल बी, आई बी ऑफ स्मॉल बी की वैल्यू क्या है स्मॉल बी। अब आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है क्या कि एफ ओ आई ए बराबर एफ बराबर आई बी ऑफ एफ, ठीक है। तो देखो इन दोनों फलनों को आपको बराबर दिखाना है, आपके पास दो फलन है, दो फलन कब बराबर होता है मैंने बताया कि दो फलन समान फलन या तुल्य फलन कब होते हैं, जब दोनों के डोमेन समान हो, तो दोनों के डोमेन देखो ए और बी दोनों समान है, दोनों के को डोमेन समान हो तो दोनों के को डोमेन समान है। तीसरी बात, दोनों के अंदर डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए रेंज सेट में
डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए रेंज सेट में भी इमेजेस क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो डोमेन का कोई सा एलिमेंट लिया आपने स्मॉल ए, इसकी इमेज भी यहाँ क्या आ रही है बी, और इस फलन के अंदर भी डोमेन का आपने एलिमेंट लिया स्मॉल ए, इसकी इमेज भी क्या आ रही है स्मॉल बी। ठीक है, तो दोनों के दोनों फलन क्या हो गए, दोनों के दोनों फलन क्या हो गए, समान फलन हो गए। ठीक है, अब दोनों के दोनों फलन समान फलन हो गए, अब एक चीज और देखो, इनकी वैल्यू किसके बराबर है, ये भी देखो आप इनकी वैल्यू किसके बराबर है। तो आप देखते हो कि डोमेन से आपने एलिमेंट लिया स्मॉल ए, इस स्मॉल ए की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर क्या आ रही है, बी आ रही है। और ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी वैल्यू जिसमें एलिमेंट ए की इमेज क्या आ रही है, बी आ रही है, कौन सा फंक्शन है वो, एफ फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन एफ है, इस फंक्शन के अंदर डोमेन के एलिमेंट स्मॉल ए की वैल्यू रेंज बी में क्या आ रही है, स्मॉल बी आ रही है। तो आप इसको लिख सकते हो एफ ओ आई ए बराबर आई बी ओ एफ बराबर एफ, मतलब आप क्या कह सकते हो, किसी भी फलन को तत्समक फलन के साथ संयुक्त करने पर जो फलन प्राप्त होता है वही फलन एफ होता है। ठीक है, मतलब किसी भी फलन को अगर आप तत्समक फलन के साथ संयुक्त करोगे तो हमेशा वही फलन आपको प्राप्त होगा। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होंगी या एग्जाम्पल है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। आज की जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती हुई, लेक्चर नंबर 10 यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।